नेटफ्लिक्स पासवर्ड को दोस्तों के साथ शेयर करना काफी कॉमन है, लेकिन कंपनी नहीं चाहती है कि आप नेटफ्लिक्स अकाउंट पासवर्ड को दूसरों के साथ शेयर करें। इसको लेकर नेटफ्लिक्स एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में नेटफ्लिक्स ने बताया है कि टॉप एंड प्लान्स में सेपरेट प्रोफाइल्स और मल्टीपल स्ट्रीम की वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेटफ्लिक्स अकाउंट को कब और कैसे शेयर करें। कंपनी ने कहा है कि पासवर्ड शेयरिंग से उनके रेवेन्यू पर असर पड़ता है, इससे कंपनी के ओरिजिनल कंटेंट में इन्वेस्ट पर भी असर पड़ता है। कंपनी ने कहा कि अकाउंट को हाउस होल्ड के बीच यूज करने का मकसद नहीं होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट इनोवेशन डायरेक्टर चेंगी लोंग ने बताया कि पासवर्ड शेयरिंग काफी पॉपुलर है, लेकिन इस वजह से ये भी कंफ्यूजन है कि नेटफ्लिक्स पासवर्ड को कैसे और कब शेयर किया जाए। इस वजह से अकाउंट को हाउस होल्ड के बीच ही शेयर किया जाता है, जिससे नए टीवी और फिल्म पर इन्वेस्ट करने पर असर पड़ता है। नेटफ्लिक्स दो नए फीचर्स को टेस्ट करने वाला है। इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा मेंबर है, जिससे अकाउंट होल्डर दो एडिशनल मेंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं होगा। कंपनी इसके लिए हर मेंबर से चार्ज लेगी। इस फीचर को फिलहाल भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दूसरे देशों में इसे लॉन्च करने के बाद कंपनी इसे भारत में पेश कर सकती है। भारत में फिलहाल नेटफ्लिक्स की कीमत 149 रुपए से शुरू होती है।